मसूरी से स्कूटी में धनौल्टी के पास सुरकंडा देवी टेम्पल पहुंच के रोपवे में 205 रुपए पर पर्सन की टिकट खरीद के हम फाइनली पहुंच गए मंदिर परिसर में। तो चलिए मंदिर दर्शन करते करते आप लोगों को इस शक्तिपीठ की कहानी सुनाता हूँ। पुराण में माना जाता है सती के पिता देव राजा दक्ष सती के पति शिव जी को पसंद नहीं करते थे। इसी कारण जब राजा दक्ष सारे देव देवताओं के लिए एक भव्य वैदिक यज्ञ का आयोजन किया तो उसमें सती और शिव जी को आमंत्रण नहीं किया। इसी कारण क्रोध में आके सती ने अपना शरीर अग्नि में झोंक दिया। ये बात जब शिव जी को पता चला तो दुख में और क्रोध में सती के शरीर को अपने कंधे में रखकर ब्रह्मांड विनाश के नृत्य तांडव शुरू कर दिया। फिर सारे देवताओं मिलके विष्णु जी के पास गए और शिव जी को शांत करने के लिए निवेदन किया। विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को टुकड़े टुकड़े कर दिया और जब शिव जी के पास सती के शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा तब शिव जी महातपस्या में बैठ गए। सती के शरीर के 51 टुकड़े जहाँ जहाँ गिरा वहाँ आज एक शक्तिपीठ है। माना जाता है कि यही उनका सिर गिरा था तो इसी कारण से इस जगह को सिरकंडा उर्फ सुरकंडा कहा जाता है। इस मंदिर के आसपास के नजारे भी बेहद खूबसूरत है। अगर ये वीडियो पसंद आया तो एक कमेंट एक लाइक करना। मिलते हैं कल।